सेकंड टेन, टेन कहता है आपका कि जी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को कहते हैं, ठीक है क्या? 16 से 20 आपका सीपीसी भी है, ठीक है, इसको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहते हैं, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, ये आपने एडवाइज करना है। अगर कहता है लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट शैल बी सच एज डिफाइंड बाई एज मे हाई कोर्ट डिफाइन, वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वही होगी जो हाई कोर्ट डिफाइन करेगी, ठीक है। हाई कोर्ट ने वो स्टार्ट में बता दिया कि जी ये सूबे हैं, ठीक है, ये आपका जो सपोज के डीजी खान है तो डीजी खान की टेरिटरी है, ठीक है, और वो लाहौर है तो लाहौर की टेरिटरी है, ठीक है, और लाहौर में जो जज बैठा है तो वो लाहौर के केस सुनेगा, ना कि वो लिया के या झंग के सुनेगा, ठीक है, वो लाहौर के ही केस सुन सकता है, वो इवन के आपका कसूर के भी नहीं सुनेगा। और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ये कि जी जहां पे प्रॉपर्टी आपकी सिचुएट होती है वहां पे सूट फाइल किया जाता है, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहां पे सूट फाइल किया जाता है। ठीक हो गया, आगे कहता है हाई कोर्ट व्हेन द हाई कोर्ट पोस्ट अ सिविल जज टू अ डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट अ सिविल जज टू डिस्ट्रिक्ट, जब हाई कोर्ट एक सिविल जज को एक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करती है, दी लोकल लिमिट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल इन एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन टू कंट्रेरी बी डीम्ड टू बी लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिसडिक्शन, ठीक है, आपका वो जो लोकल लिमिट्स मतलब जुरिसडिक्शन होगी वो ये समझा जाएगा कि वो उसके जुरिसडिक्शन में है, ठीक है, तो मतलब एक जज को जब एक डिस्ट्रिक्ट में लगाएगी तो वो यहाँ ये समझा जाएगा कि उस जज की पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपकी वो है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसकी वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसकी जुरिस्डिक्शन है। एक सेकंड, चलें जी आगे जी, आपका वो जो एक सिविल जज जो एक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया जाएगा तो उसकी जुरिस्डिक्शन पूरे डिस्ट्रिक्ट तक होगी, उसकी जुरिस्डिक्शन पूरे डिस्ट्रिक्ट तक होगी, ठीक है। चलें जी आगे जी, आपका मतलब जो एक डिस्ट्रिक्ट में एक हाई कोर्ट अपॉइंट कर देगी वो डिस्ट्रिक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट की तक वो उसकी जुरिस्डिक्शन होगी, जैसे आपके जो सूट हैं आपके हेडक्वार्टर वाले वो भी आप मतलब एक हेडक्वार्टर में फाइल एक डिस्ट्रिक्ट जो में जो आपका जज बैठा होता है वो पूरे सूट के डिस्ट्रिक्ट के जज केस सुनता है। आगे कहता है आपका 12, सेक्शन 12 कहता है कि जी हाई कोर्ट जो है ना, 11 आपका ओमिट हो गया, 12 कहते हैं कि हाई कोर्ट जो है आपकी कोई भी केस की प्रोसीडिंग मतलब जो है वो हाई कोर्ट किसी सिविल जज को या डिस्ट्रिक्ट जज को पावर्स दे सकती है कि वो कोई केस ट्रांसफर कर दे, कोई केस ट्रांसफर कर दे। कहता है नॉट एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन इन सक्सेशन एक्ट, सक्सेशन एक्ट में जो कुछ बताया गया उसके बावजूद हाई कोर्ट में इन जनरल स्पेशल ऑर्डर ऑथराइज्ड एनी सिविल जज टू टेक कॉग्निजेंस, ठीक है, ऑथराइज करेगी क्या, ऑथराइज एनी सिविल जज टू टेक कॉग्निजेंस और एनी डिस्ट्रिक्ट जज टू ट्रांसफर, किसी सिविल जज को कह सकती है कि आप वो कॉग्निजेंस लें, ठीक है, या आपका या फिर ऑथराइज करेगी डिस्ट्रिक्ट जज टू ट्रांसफर द सिविल टू अ सिविल जज अंडर हिज कंट्रोल एनी प्रोसीडिंग और क्लास
any proceeding or class of proceeding under this act. ठीक है, देखें कि हाई कोर्ट ने कहा है ना कि जी आप जैसे हमने पढ़ा है सेक्शन उसमें जो 7 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसकी है. ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसकी है आपका कर लो के सेक्शन 7. ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो है आपकी डिस्ट्रिक्ट जज की, लेकिन हाई कोर्ट कहती है कि चलें आप जो दावे दायर करें डायरेक्ट सिविल जज के पास फाइल कर दें. हम दावा दायर करते हैं किसके पास, सिविल जज के पास फाइल करते हैं. ठीक हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट क्या करती है, हाई कोर्ट पावर देती है कि जी किसी डिस्ट्रिक्ट जज को कि आप कोई केस ट्रांसफर कर सकते हैं किसी सिविल जज को. ठीक है, तो हम अप्लीकेशन किसके तहत देते हैं, वो आपका सेक्शन 24 है आपका सीपीसी का, आपने पढ़ा है सेक्शन आपका 24, 22, 23 और 24. ठीक है, ये सीपीसी के ये ट्रांसफर से हैं. ठीक है, कि हम अगर विद इन डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन फाइल मूव करानी हो तो किसको देते हैं, हम एप्लीकेशन देते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट जज को. सपोज के मेरे तहत जिला रहीमिया खान है, जिला रहीमिया खान की 4 तहसीलें हैं आपका लियाकतपुर, खानपुर और सादिकाबाद रहीमिया खान इटसेल्फ. मैंने लियाकतपुर से केस ट्रांसफर करना है खानपुर, तो कहाँ पे एप्लीकेशन दूंगा मैं, डिस्ट्रिक्ट जज को दूंगा. क्यों, क्योंकि हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज को ये पावर कन्फर की हुई है. ठीक है, हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज को पावर कन्फर की हुई है कि आप आप जो है वो मतलब केस ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, ये आपको बता रहा है 12. ठीक है, आगे कहता है डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज मे विड्रॉ एनी प्रोसीडिंग. अब देखें ऊपर वो पावर दी गई है कि जी वो ट्रांसफर कर सकता है, मतलब एक जज से. सपोज के नईमा समर साहबा सिविल जज है आपका अटक में. ठीक है, अब वही अटक की एक तहसील है कोई तहसील है कह लो कि झंड तहसील है, वहां पे बैठी है नुशाबा मैडम नायला साहबा. ठीक है, तो आपने मतलब जो है ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास पावर है, जो डिस्ट्रिक्ट जज अटक होंगे वो मिस नईमा से केस विड्रॉ करेंगे. ठीक है, उसके बाद उसी केस को दोबारा खुद भी सुन सकते हैं. ठीक है, या वही केस आगे मिस नायला साहबा को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि मिस नायला साहबा उसी डिस्ट्रिक्ट में मतलब एज ए जज काम कर रही है झंड में, तहसील झंड में. ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट जज के पास पावर है कि जी एक जज से केस विड्रॉ करे और दूसरे जज को वो केस ट्रांसफर कर दे, या खुद भी सुन ले, या खुद भी सुन ले. ठीक, कहता है डिस्ट्रिक्ट जज मे विड्रॉ सच प्रोसीडिंग. ठीक है, विड्रॉ सच प्रोसीडिंग जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको विड्रॉ करे, या ट्रांसफर टू सिविल जज, ट्रांसफर भी कर सकता है. ठीक है, एंड मे आइदर हिमसेल्फ डिस्पोज ऑफ देम, या वो केस खुद सुनेगा या फिर ट्रांसफर कर देगा टू द कोर्ट अंडर हिज कंट्रोल कंपिटेंट टू डिस्पोज ऑफ, अंडर हिज कंट्रोल कंपिटेंट टू डिस्पोज ऑफ. देखें डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर ही होती हैं आपका ये सिविल जजेस वगैरह. ठीक है, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट जज बैठे हैं तो नईमा साहबा सिविल जज हैं, नायला साहबा सिविल जज हैं, ये दोनों उनके अंडर हैं. अब नईमा साहबा जो फर्स्ट क्लास हैं, ठीक है, तो जो आपका ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब केस आगे जो ट्रांसफर करेंगे वो भी डिस्ट्रिक्ट सिविल जज फर्स्ट क्लास को करेंगे. जैसे आगे ट्रांसफर कर रहे हैं मिस नायला साहबा को तो वो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, अगर मिस नायला साहबा सेकंड क्लास हैं तो ये फर्स्ट क्लास सिविल जज शुएब साहब को भेज देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी अंडर हिज कंट्रोल कंपिटेंट टू डिस्पोज ऑफ, जो ऐसे जज को भेजेंगे जो कंपिटेंट भी हो, जो कंपिटेंट भी हो. ठीक है,
this the judge one CJ and transfer to another CJ. ठीक है, ये कर सकता है और खुद भी विड्रा कर सकता है, डिस्पोज हिमसेल्फ और मेड विड्रा एंड केस डिस्पोज हिमसेल्फ डिस्पोज ऑफ, खुद भी कर सकता है ठीक है, या आगे आर हाँ जी जी डिस्पोज विड्रा एंड डिस्पोज ऑफ हिमसेल्फ और ट्रांसफर टू अनदर सीजे. ठीक है, ये किसी किसी दूसरे जज सिविल जज को भी भेज सकता है. ठीक है, तो ये है कि जी एक खुद भी ट्रांसफर कर भी सकता है और आगे भी भेज सकता है. आगे प्रोविजन में बताया कि जी नथिंग इन दिस पावर कंफर्ड एम्पावर्ड अ डिस्ट्रिक्ट जज टू विड्रॉ अ केस प्रोसीडिंग एज ही हैज स्पेसिफिकली ट्रांसफर फ्रॉम हाई कोर्ट. सपोज के वो केस आपका मिस नईमा साहबा जो के सिविल जज बैठी हैं अटक काम कर रही हैं उनके पास आया है, सिविल मिस नईमा साहबा के पास केस भेजा है हाई कोर्ट ने, तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते. ठीक है, आगे कहता है प्रोसीडिंग टेकन कॉग्निजेंस आर ट्रांसफर टू सिविल जज एज द केस में बी अंडर दिस सेक्शन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय हिमसेल्फ टू प्रोसीडिंग टेकन आर ट्रांसफर टू सिविल जज एज द केस में बी अंडर इस सेक्शन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय हिमसेल्फ सब्जेक्ट टू रूल्स एप्लीकेबल टू लाइक प्रोसीडिंग व्हेन डिस्पोज ऑफ बाय डिस्ट्रिक्ट जज व्हेन डिस्पोज ऑफ बाय डिस्ट्रिक्ट जज. ठीक है, कहता है आपका प्रोसीडिंग टेकन कॉग्निजेंस आर ट्रांसफर टू सिविल जज एज द केस में भी. अब एक केस कॉग्निजेंस लिया है सिविल जज ने या उसको भेजा गया है, ठीक है, सिविल जज ने कॉग्निजेंस लिया या उसको भेजा गया है इस सेक्शन के तहत, मतलब 12 के तहत, शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय हिम सब्जेक्ट टू रूल्स अप्लीकेबल टू प्रोसीडिंग. वो जो केस डिसाइड किया जाएगा उन रूल्स के मुताबिक, सब्जेक्ट रूल्स अप्लीकेबल टू प्रोसीडिंग व्हेन डिस्पोज ऑफ बाय द डिस्ट्रिक्ट जज बाजी डिस्ट्रिक्ट जज. सपोज के एक जज डिस्ट्रिक्ट जज जो है एक केस ट्रांसफर विड्रा करता है और वो भेज देता है सिविल जज के पास, तो सीजे के पास अगर वो केस इस नेचर का है तो वो सिविल जज के पास भी सेम पावर्स होंगी जैसे वो आपका डिस्ट्रिक्ट जज की पावर्स कर रहा है. मतलब जो केस भेजा गया है जिस जज को, तो वो केस को उस केस की नेचर, उस केस के और नेचर के मुताबिक रूल्स के मुताबिक अप्लाई किया जाएगा. ठीक है, जैसे आपका सपोज के एक केस जो है फर्स्ट क्लास से भेज देते हैं सेकंड क्लास को, तो सेकंड क्लास अगर वो केस सुन रहा है तो उस सेकंड क्लास के पास वही पावर्स होंगी जैसे फर्स्ट क्लास के पास पावर्स हैं. मतलब एक केस एक जज से दूसरे जज के पास भेजा गया है तो वो केस उस जज वो जो जिसको भेजा गया वो केस उसको ऐसे सुनेगा जैसे जो उसके पास जो पहले वाले जज के पास पावर्स थी. आगे जी ये मेन जो आपने पढ़ लिया, आगे ये है कि
सिटिंग ऑफ कोर्ट्स, सिटिंग कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है, सिटिंग कहीं पे भी हो सकती है। द हाई कोर्ट में फिक्स द प्लेस एंड प्लेसेस एज द केस विच कोर्ट अंडर दिस सेक्शन टू बी हेल्ड, ठीक है, प्लेस आर प्लेसेस टू बी फिक्स्ड बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स, ठीक है, आपकी आपकी जो कोर्ट्स है ना बियॉन्ड द लिमिट्स भी जा सकती हैं, बियॉन्ड द लिमिट्स भी जा सकती हैं, ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट्स कैसे, इसकी बेहतरीन एग्जांपल है लाहौर में एक इलाका है शाहदरा, ठीक है, क्या शाहदरा, शाहदरा एरिया है लाहौर का, ठीक है, इसमें जो आपका शेखपुरा का एक तहसील है फिरोज वाला, ठीक है, फिरोज वाला के जो कोर्ट्स हैं वो शाहदरा में है जो कि लाहौर का एरिया है, मतलब फिरोज शेखपुरा की अदालतें जो हैं वो लाहौर की जुरिस्डिक्शन में आ गई हैं। तो ये क्या कह रहा है, दी प्लेस आर प्लेसेस सो फिक्स्ड मे बी बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, लोकल लिमिट्स से बाहर भी हो सकती हैं। अब शेखपुरा का एरिया क्या है, शेखपुरा देखें, ये आपका शेखपुरा है, ठीक है, ये शेखपुरा है, ठीक है, शेखपुरा के ये कोर्ट्स थोड़ा सा लाहौर के अंदर आ रही है, तो शेखपुरा से तो बियॉन्ड हो रही है ना, शेखपुरा से ये बियॉन्ड हो रही है, यहाँ पे आ रही है शेखपुरा की अदालतें, तो वो इस सेक्शन के तहत ठीक है, वो तेना के तहत ठीक है, वो आ सकती है, ठीक है। फिरोज वाला कोर्ट्स, शाहदरा एरिया ऑफ ठीक है, ये आपकी लाहौर के अंदर आ गई है, तो ये भी हो सकता है। आगे कहता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन अ कोर्ट अंडर दिस ऑर्डिनेंस मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, कहीं पे भी कोर्ट्स हो सकती हैं, ठीक है, अदालतें कहीं पे भी हो सकती हैं, एक दिन एक जगह पे बैठे होंगे, लाहौर में तो यही है कि जी एक दिन एक जज बैठा है फर्स्ट एलडीए जो है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर पे, दूसरे दिन वो छठे फ्लोर पे होता है, तीसरे दिन पता चलता है कि वो साथ वाली बिल्डिंग सीनियर ब्लॉक चला गया है, फिर पता चलता है कि जी वो मस्जिद ब्लॉक आ गया है, तो वो लोकेशन चेंज होती रहती है, वो कर सकते हैं सेक्शन 13 के तहत, ठीक हो गया। आगे कहता है आपका 14 कोर्ट कंट्रोल ऑफ कोर्ट एंड प्रोसीडिंग, ठीक है, कंट्रोल ऑफ कोर्ट एंड प्रोसीडिंग, अब इसका सिंपल है कि जी जो हाई कोर्ट है वो कंट्रोल करेगी किसको, हाई कोर्ट कंट्रोल करेगी किसको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सिविल कोर्ट, ठीक है, कोर्ट्स और सुपरविजन, सिविल कोर्ट्स पे सुपरविजन किसकी होगी, सुपरविजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आपकी होगी हाई कोर्ट की और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, एंड सिविल कोर्ट्स वाइल आपकी जो सिविल कोर्ट्स पे सुपरविजन होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। आगे कहता है ऑल द कोर्ट्स इन द एरिया टू विच ऑर्डिनेंस एक्सटेंड शैल सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, तमाम कोर्ट्स क्या होंगी वो सबऑर्डिनेट हैं हाई कोर्ट के, ठीक है, सारी कोर्ट सबऑर्डिनेट किसके हैं हाई कोर्ट, मातहत अदालतें जिसको कहते हैं हाई कोर्ट के मातहत अदालतें, सब्जेक्ट टू द जनरल सुप्रीडेंस ऑफ हाई कोर्ट अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल कंट्रोल ओवर सिविल कोर्ट्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो कंट्रोल होगा वो सिविल कोर्ट्स पे होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कंट्रोल सिविल कोर्ट्स पे होगा।
ठीक है। अब इसको ये कह सकते हैं कि जी हाई कोर्ट एंड, ठीक है, ये ऐसे कह लो कि हाई कोर्ट, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आपका सिविल कोर्ट। ठीक है, ये हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को और सिविल कोर्ट्स को कंट्रोल करेगी, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो डिस्ट्रिक्ट की अदालतों का आपका समझ लो के सरदार होता है, और जो हाई कोर्ट है वो पूरे पंजाब की सरदार है, ये कह लो। अगर दी पोस्टिंग ऑफ जजेज शैल बी मेड थ्रू हाई कोर्ट, आपका जो ट्रांसफर होती है केसेस, ट्रांसफर जो होते हैं वो हाई कोर्ट करती है, ठीक है, वो हाई कोर्ट ही केसेस ट्रांसफर करती है। आ गया जी आपका सर, फिर इसमें ये सिविल कोर्ट्स का भी ये होगा ना कि वो अपने लोअर क्लास के जजेस को कंट्रोल करते हैं, लाइक मैजिस्ट्रेट वगैरह। हाँ, मजिस्ट्रेट को भी करते हैं ट्रांसफर मैडम। नहीं सर, जैसे कि आपने कहा था ना कि हाई कोर्ट कंट्रोल करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है कंट्रोल करते हैं सिविल कोर्ट्स को, देन मैं ये कह सकती हूँ कि सिविल कोर्ट्स भी अपने जो है लोअर कोर्ट्स लाइक मैजिस्ट्रेट वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी वो किन को करते हैं डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल लॉ। डिस्ट्रिक्ट जज जो है, डिस्ट्रिक्ट जज वो आपका मतलब उस वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस भी वो डिस्ट्रिक्ट जज ही करता है, आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहते हैं। एक जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट सिविल भी संभालता है और क्रिमिनल भी संभालता है, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल दोनों संभालता है, ठीक है। तो अगर वो सेशन जज बैठा है तो वो मजिस्ट्रेट को भी कंट्रोल करता है, वो सिर्फ इसमें डिटेल के साथ बताया गया है। ओके सर, थैंक यू। चले आ गया जी आपका 15। वो एक करिकुलम आपने देखा होगा, वो बार बार जो आता रहता है जी, हाई कोर्ट ही आपका ट्रांसफर करती है, ठीक है। दी हाई कोर्ट आर प्लीज टू मेक फॉलोइंग पोस्टिंग ट्रांसफर अमंग दी सिविल जजेस, वो ये कहता है, ठीक है। आगे कहता है पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस, पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस कंटेन कहता है नॉट विथ एनीथिंग कंटेन इन सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट्स में जो कुछ बताया गया उसके बावजूद एवरी डिस्ट्रिक्ट जज में बाई राइटिंग अंडर आर्डर डायरेक्ट दैट एनी सिविल जज एनी सिविल बिजनेस कॉग्निजेबल बाई कोर्ट एंड कोर्ट्स अंडर दिस अंडर हिज कंट्रोल शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी फॉलोइंग ऑर्डर एज थिंग्स फिट, ठीक है, एज थिंग्स फिट। कि आपका एक जो डिस्ट्रिक्ट जज है, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट का आपका संभालता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो बताता है, जैसे लाहौर में डिस्ट्रिक्ट जज बैठा है, ठीक है, वो जैसे हमने एग्जांपल लिया है, अब डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर जो डिस्ट्रिक्ट जज जो अटक है वो बताएगा कि जी मिस नईमा जो है वो फैमिली केसेस सुनेगी, ठीक है, वो बताएगा कि जी मिस नायला जो है वो लेस्को के केस सुनेगी, ठीक है, या मिस जो समन है वो आपके सुनेगी नादरा केसेस। तो ये डिस्ट्रिक्ट जज ही बताता है, वो ही डिस्ट्रीब्यूट करता है कि जी फलां फलां जज ने फलां काम करना है, ठीक है। कहता है एवरी डिस्ट्रिक्ट जज में बाई राइटिंग ऑर्डर दैट एनी सिविल बिजनेस कॉग्निजेबल बाई दिस कोर्ट एंड कोर्ट अंडर दिस कंट्रोल शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी सच कोर्ट्स एज ही थिंक्स फिट, एज ही थिंक्स फिट, प्रोवाइडेड दैट नो डायरेक्शन इशूड अंडर दिस सेक्शन शैल इम्पावर एनी कोर्ट टू एक्सरसाइज दी एनी पावर डील विद एनी बिजनेस बियॉन्ड दी लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन।
ठीक है, आगे कहता है नो डायरेक्शन इशूड अंडर दिस सेक्शन शैल इम्पावर एनी कोर्ट टू एक्सरसाइज एनी पावर बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन। हाँ देखें, डिस्ट्रिक्ट जज जो अटक है वो अटक के केसेस तो ट्रांसफर कर सकता है, ये नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज अटक जो है वो पिशावर की पिशावर या साथ अटक के जो है सपोज के रावलपिंडी है तो रावलपिंडी के केसेस को भी वो कहेगा जी रावलपिंडी के जज को भी डायरेक्शन देता रहे, तो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा वो नहीं कर सकता, वो सिर्फ रावल उसकी हद तक वो दे सकता है, अपनी ज्यूरिसडिक्शन तक दे सकता है, अपनी बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन नहीं दे सकता, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट तक तो वो बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा नहीं कर सकता। आगे कहता है आ डिस्ट्रिक्ट जज मे विद डिस्ट्रिक्ट जज मे विद प्रीवियस सेंशन ऑफ हाई कोर्ट डेलीगेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट टू सिविल जज इन द डिस्ट्रिक्ट टू सिविल जज डिस्ट्रिक्ट हिज पावर अंडर सेक्शन 14 एंड 15। 14 में क्या था कि आपका वो पावर बिजनेस आपका 14 में था कि जी वो कोई कंट्रोल किसका है, वो डिस्ट्रिक्ट जज का, ठीक है, वो बता सकता है कि जी यहाँ पे सीनियर सिविल जज मैं नहीं हूँ तो सीनियर सिविल जज वो कंट्रोल करेगा। आगे आपका 15 में क्या है, 15 में आपका आगे 15 में था कि जी वो डिस्ट्रीब्यूट वो किसी सीनियर सिविल जज को भी बता सकता है कि जी आप ये अथॉरिटीज असाइन कर दें, ठीक है, अगर हाई कोर्ट इजाजत दे तो विद द प्रीवियस सेंशन ऑफ हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जज क्या करेगा विद द प्रीवियस सेंशन ऑफ हाई कोर्ट हाई डिस्ट्रिक्ट जज विद द प्रीवियस सेंशन ऑफ हाई कोर्ट delegate in respect of any proceeding in portion of district to any civil judge ठीक है under section 14 और 15 of this ordinance under this ordinance and the power of district courts under section 25 of the code of civil procedure and such power may exercise by such civil judge subject to general control of district judge ठीक है, तो वो ये भी बता सकता है कि जैसे आपका सेक्शन 24 में बताता है कि जी आपके जो केसेस हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ वो डिस्ट्रिक्ट में होंगे, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास होने, तो वो ये भी कह सकता है कि जी वो केस भी आप किसी सीनियर सिविल जज के पास फाइल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये है आपका सेक्शन 16। ठीक है, सिंपली वो कहता है कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है किसी सिविल जज को, ठीक है, के वो मतलब केस सुने फलान जो भी केस हैं वो उसको सुने। जैसे हम इसके सेक्शन 16 के साथ ही वो पावर दी हुई है डिस्ट्रिक्ट जज ने कि जी वैसे तो सेक्शन 3 क्या है, सेक्शन 7 क्या कहता है, सेक्शन 7 कहता है कि जी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आपकी डिस्ट्रिक्ट जज की है, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन सेशन जज की है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज की है, लेकिन यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट जज पावर दे देता है सीनियर सिविल जज को कि जी आप डायरी आपके पास होगी आप ही आगे केस डिस्ट्रीब्यूट करते रहें। तो आप देखते हैं कि जी यहाँ पे सीनियर सिविल जज के पास हम फाइल करते हैं, वो सीनियर सिविल जज बताता है कि जी ये केस फलां जज को मार कर दो, फलां जज को मार कर दो, फलां जज को मार कर दो, फलां फैमिली जज है, फलां गार्डियन जज है, फलां आपका नादरा का है, फलां आपका लेस्को का है और फलां आपका वासा का है, ठीक है, तो वो सेपरेट उन्होंने रखे हुए हैं। तो ये सारे काम क्या कौन कर होता है, वो
सीनियर ये सिविल जज, ठीक है, ये सिविल जज का रहा होता है जिसको हम आप कहते हैं सीनियर सिविल जज। सीनियर सिविल जज ठीक हो गया। ये आपका देता है आपका डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक हो गया जी। आगे आ गया जी आपका अपील, ठीक है, कहता है अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड बाय एनी इनएक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग फोर्स एंड अपील फ्रॉम द ऑर्डर और डिक्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन शैल लाई टू हाई कोर्ट, ठीक है, सिंपली क्या करे हाई कोर्ट को लाई करेगी, ठीक है। अपील जो है आपकी अपील फ्रॉम डिक्री और ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन शैल लाई टू हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट को ही लाई करेगी। एडिशनल जज आप फाइल करते हैं, मतलब एक दावा दायर किया आपने सिविल जज के पास, सिविल जज से वो दावा आपका जो है, या आर्डर 37 देख लो, आर्डर 37 का दावा डायरेक्ट आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की ज्यूरिसडिक्शन है, डिस्ट्रिक्ट जज वो मार कर देता है, एडिशनल जज को एडिशनल सुनता है, तो उसकी अपील हम कहाँ फाइल करेंगे, उसकी अपील हम फाइल करेंगे हाई कोर्ट के पास, ठीक है, उसकी अपील हम फाइल करेंगे हाई कोर्ट के पास, शैल लाई टू हाई कोर्ट। आ गया जी आपका एन अपील शैल नॉट लाई फ्रॉम टू हाई कोर्ट फ्रॉम द डिक्री और ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन केस वेयर इफ ऑर्डर ऑफ डिक्री हैज बीन मेड डिस्ट्रिक्ट जज बाय डिस्ट्रिक्ट जज एन अपील वुड नॉट लाई। कहता है एक केस ऐसा है जो के आपका सुनना था डिस्ट्रिक्ट जज ने और उसके खिलाफ अपील नहीं बनती, डिस्ट्रिक्ट जज सुनता और उसके खिलाफ अपील नहीं बनती, तो वही केस अगर आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनेगा तो उसके खिलाफ भी अपील नहीं होगी।